जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके यह प्रश्न पूछा, तो आज मन में यह भाव आया कि आज आप सभी को इस विषय पर एक वीडियो बना करके हम बताते हैं। मित्रों विषय यह है कि सिंदूरी हनुमान जी, जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया करते हैं हम, सिंदूर के ऊपर हनुमान जी के ऊपर क्या चांदी की वह परत चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए। आप सभी मंदिरों में अक्सर देखते हैं कि हनुमान जी, सिंदूर वाले हनुमान जी के ऊपर कई लोग चांदी लगा देते हैं। चांदी की जो पतली सी फॉयल आती है वह कई लोग चढ़ा देते हैं, जिसे चांदी का वर्क कहते हैं, जो हम अक्सर मिठाइयों में देखा करते हैं, अनेक प्रकार की मिठाइयों में, बर्फी में, अनेक प्रकार की मिठाइयों के ऊपर वह चांदी का वर्क लगा होता है। लोग क्या करते हैं कि मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाते हैं सिंदूर, सिंदूर के ऊपर लगा देते हैं चांदी का वर्क। मित्रों शास्त्रीय प्रमाण सिंदूर का तो हमें मिलता है, शास्त्र में सिंदूर की बहुत अच्छी कथा है, महिमा है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं सिंदूर चढ़ाने से। परंतु चांदी के वर्क की हमने कहीं भी नहीं सुना कि चांदी का वर्क चढ़ाना चाहिए या क्यों चढ़ाना चाहिए। चांदी का वर्क धीरे धीरे लोगों में प्रचलन में आ गया, क्योंकि लोग चांदी के वर्क को एक सुंदर हनुमान जी के स्वरूप को इस प्रकार चांदी का वर्क लगाते हैं कि वह सुंदर लगे, केवल सुंदरता प्रदान करने के लिए चांदी का वर्क लगाते हैं। परंतु मैं आज आपको एक प्रमाण देने वाला हूँ कि चांदी का वर्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पर, जब बड़े मंदिर होंगे वहाँ पर हनुमान जी केवल सिंदूर वाले हैं, सिंदूर के ऊपर आपको लौंग मिलेगी, परंतु कहीं पर भी आपको चांदी का वर्क नहीं मिलेगा। परंतु उन मंदिरों में जहाँ पर कुछ लोग, कहीं कहीं लोग आते हैं और सिंदूर के साथ चांदी का वर्क भी लगाए जाते हैं, कई ऐसे मंदिर होते हैं महाराज, तो आज आपको बताते हैं कि चांदी का वर्क लगाना चाहिए या नहीं। मित्रों हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि चांदी का वर्क बनता कैसे है। जो चांदी का वर्क आप और आप जैसे बहुत सारे लोग हनुमान जी के ऊपर लगा देते हैं सिंदूर के ऊपर, वह बनता कैसे है वह हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। हमने एक स्थान पर चांदी का वर्क बनते हुए जब देखा और हमने उनसे पूछा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कि यह बनता कैसे है, तब उन्होंने अपने हाथों से हमें चांदी का वर्क बना करके दिखाया और उन्होंने क्या बताया कि छोटी सी चांदी की परत को लेकर के, मित्रों बकरा होता है, बकरा, बकरे के चमड़ी जो उसका मांस होता है, बकरे की चमड़ी का तो बना रखा था उन्होंने एक बैग, जिस बैग के अंदर चांदी के फॉयल रखे थे, और उस चमड़ी के नीचे जो झिल्ली होती है, जिसे वह लोग झिल्ली बता रहे थे बकरे की, उस झिल्ली के अंदर रख करके चांदी के उस वर्क को पीटा जाता है, बार बार मारा जाता है, तब जा करके वह चांदी का वर्क बनता है इतना पतला। उस दिन के बाद से हमारे मन में यह विचार आया कि क्या हनुमान जी महाराज ऐसे किसी भी वस्तु को स्वीकार करेंगे जो किसी जीव को मार करके बनी हो। महाराज क्या हनुमान जी ऐसे किसी वस्तु को स्वीकार करेंगे? आप, उन्होंने एक बकरे को मारा, उसकी चमड़ी से एक बैग बनाया जिसमें चांदी रखी थी, पतली पतली उसकी परत, और उस चमड़े, उस मांस के नीचे जो झिल्ली थी, उस झिल्ली के बीच में रख करके चांदी को जब पीटा जाता है तब चांदी का वर्क बनता है। तब हमारे मन में यह बात आई तो हमने सोचा कि आपसे भी अपने विचार, अपना भाव शेयर करें महाराज, कि चांदी का वर्क मेरे अनुसार हनुमान जी महाराज को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह किसी जीव की हिंसा करके हमें प्राप्त हुआ है। चांदी का वर्क चमड़े के अंदर, बकरे की मांस की झिल्ली के अंदर रख करके बनता है महाराज, तो हम चांदी के वर्क हनुमान जी महाराज को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सिंदूर चढ़ाइए,
सिंदूर की ही महिमा है। आपको कोई विप्रदेव यह नहीं कहेंगे कि सिंदूर के बाद चांदी का वर्क चढ़ाओ। सभी ब्राह्मण देवता यही कहेंगे कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ महाराज, कोई यह नहीं कहेगा कि चांदी का वर्क चढ़ाओ। अब आगे जो इसका निष्कर्ष है वह केवल यही निकलता है कि हनुमान जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका भाव कैसा है, आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, परंतु चढ़ाने से पहले एक बार अवश्य सोचना कि चांदी का वर्क बना कैसे है। एक जीव की हिंसा करके, एक जीव को मार करके चांदी का वर्क बना है महाराज। तो मित्रों, चांदी का वर्क मेरे अनुसार हनुमान जी महाराज को नहीं चढ़ना चाहिए। चांदी के वर्क लगी हुई मिठाई भोग में नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में केवल और केवल सिंदूर लगता है हनुमान जी महाराज को, चांदी का वर्क नहीं देखा हमने। चांदी का वर्क केवल वहीं मिलता है जहां अन्य लोग आकर के हनुमान जी का श्रृंगार करने लग जाते हैं। आप केवल सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर भी कैसे चढ़ाना है, पहले चरण में, फिर धीरे 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 ऊपर लेकर के जाना है मुख की तरफ, चरण में लगाइए, फिर जब कटी प्रदेश में आए तब अपने हाथ धो लीजिए, फिर कटी प्रदेश से ऊपर लगाइए कंठ तक, फिर हाथ धोइए, फिर मुख पर लगाइए महाराज। यह प्रक्रिया है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, और आपको हमारे चैनल की और भी अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और चांदी का वर्क हनुमान जी महाराज को ना चढ़ाइए महाराज, केवल सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए, हनुमान जी सिंदूर से ही प्रसन्न होंगे। और उन्हें चाहे आप सोने का वर्क चढ़ा दो, कुछ चढ़ा दो, नहीं, केवल भाव होना चाहिए और हनुमान जी की सच्ची निष्ठा होनी, हनुमान जी के चरणों में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए महाराज। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।